मैं ये बात रखना चाहता हूं कि जो मेरे खिलाफ कंप्लेंट्स दर्ज हुई, जिस मामले को कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस को रेफर करा गया, उसका ये पार्लियामेंट्री बुलेटिन है, सरकारी डॉक्यूमेंट है। मैं आज बहुत सबूत लाया हूं दिखाने के लिए आप सबको, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये पार्लियामेंट्री बुलेटिन है जिसके तहत मेरे खिलाफ जो कंप्लेंट्स आई उसे विशेषाधिकार समिति को विचार के लिए भेजा गया। इस पूरी पार्लियामेंट्री बुलेटिन में कहीं भी फर्जीवाड़ा, फोर्जरी, फोर्ज साइन, सिग्नेचर, हस्ताक्षर किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। सिर्फ इतना बोला गया कि इसकी जांच करके बताइए, अगर कोई फोर्जरी होती, कोई फर्जीवाड़ा होता, सिग्नेचर शब्द का प्रयोग तो कम से कम किया गया होता इस पार्लियामेंट्री बुलेटिन में। यह सरकारी दस्तावेज है राज्यसभा सेक्रेटेरिएट का, इसमें भी कहीं जिक्र नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जब साइन है ही नहीं तो साइन आएंगे कहां से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के झूठ का मुकाबला करना आसान नहीं है, इसलिए आज आपके सामने आकर यह बात रखनी पड़ी। और जहां तक विशेषाधिकार समिति का प्रोसीडिंग्स का मामला है, प्रिविलेज कमिटी का मामला है, इस देश के कई बड़े नेताओं के खिलाफ कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस ने प्रोसीडिंग्स शुरू करी, कार्रवाइयां करी, जिसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जिसमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का नाम आता है, मनमोहन सिंह जी का नाम आता है, मुरारजी देसाई जी का नाम आता है, सुषमा स्वराज जी का नाम आता है, अरुण जेटली जी का नाम आता है। उस श्रेणी के अंदर अगर हमें भी शामिल किया गया तो कोई बात नहीं है, मजबूती से अपना जवाब विशेषाधिकार समिति के सामने, कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस के सामने देंगे। मैं शहीद आजम भगत सिंह की धरती से आता हूं और पूरी न्याय की लड़ाई लड़ूंगा, और मेरा विश्वास है कि कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस अंत में दूध का दूध और पानी का पानी कर न्याय अवश्य करेगी।